कौन हो तुम? अरे अरे कौन है ये? दोस्त ने सही, सरकारी गवाही बन जाता, लेकिन लगता है तो सरकारी दामाद बन के ही मानेगा। यू आर अंडर अरेस्ट, मुनिया लिया, जो भी नाम है तेरा, एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने के जुर्म में, और ऑफ कोर्स मर्डर, तंबा जाएगा। अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो। सुन यार, तू जानता है तूने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं तूने कुछ नहीं किया, लेकिन कानून तो अंधा होता है, वो तो वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। एक आखिरी मौका देता हूं, बता दे तुम लोगों ने राघव जिंदल के साथ क्या किया है, बता दे वो विराज और सिया कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, उसकी विधि बता दे, बस तुझे छोड़ दूं। देख, मुझे इंतजार करने का ना शौक है ना आदत। तो आदत डाल लीजिए डीसीपी साहब, सिया और हमारे विराज द ग्रेटेस्ट डोबरियाल को पकड़ना नामुमकिन है, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बीत जाएगी उनको पकड़ते पकड़ते। और जो ये आप चाल चल रहे हो ना, हमारे प्रभु इस चाल से पहले एक नई चाल की प्लानिंग कर चुके होंगे। प्रभु हैं वो, आप नहीं जानते उन्हें। जानता तो तू ही नहीं मुझे। डीसीपी अविनाश नाम है मेरा, चल देखते हैं तेरा वो प्रभु क्या कर सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। नंदिनी जी, मैं आपकी और अविनाश जी के रिश्ते के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करने आई, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की और मेरी पत्नी को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? धमकाना चाहती हो इसे ताकि मैं तुम्हारा केस छोड़ दूं? How dare you? धमकाने नहीं आई हूं, इतनी छोटी सोच नहीं है मैं, बस बताने आई हूं कि जो लोग जमीन पे रहते हैं उन तक पहुंचना ना मुश्किल नहीं होता। Nobody is untouchable. मेरे जीते जी मेरी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। So you stay away from my wife. And you stay away from my family. Sorry. इतना आसान नहीं होगा, मैं तुम्हें थोड़ा तू रही बाहर मीडिया। अगर मीडिया ने आपको इस तरीके से देख लिया ना, तो पुलिस की वर्दी पे एक और दाग लग जाएगा कि पुलिस आम इंसान के साथ कितनी बदतमीजी से व्यवहार करती है। मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आई थी, आपको बताने आई थी कि मेरे पति राघव जिंदल जिंदा। Unbelievable. राघव जिंदल के बारे में आपका क्या कहना है मैम? मैंने आप सब लोगों को ये बताने के लिए बुलाया कि सिर्फ पुलिस ही पब्लिक की हेल्प नहीं करती, कभी कभी आम पब्लिक भी पुलिस की हेल्प कर सकती है। मैं राघव जिंदल यानी कि मेरे हस्बैंड के केस में पुलिस की पूरी मदद कर रही हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ, इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे हस्बैंड को ढूंढेगा या उनके बारे में कोई भी न्यूज लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। 10 करोड़? और जिसको भी उनके बारे में न्यूज मिलती है वो सीधा डीसीपी अविनाश जी के मोबाइल पे अपडेट कर सकते हैं।
निकालोगे क्या? मेरा पर्सनल नंबर प्रेस को क्यों दे रहे हो? ताकि अगर राघव जिंदल मिले तो उसका क्रेडिट आपको जाए। सिया ने पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब करके रख दिया। फोन कॉल्स नहीं उठाएंगे तो फॉरगेट अबाउट सिया। इसने मुंह खोला के नहीं, पता नहीं किस मिट्टी का बना। मुंह नहीं खोल रहा है, प्रभु प्रभु किए। तो मुंह खुलवा उससे, चमड़ी ठंडी कर दी है उदय को अगर चाहिए तो। जो करना है करो, लेकिन मैं इससे सच जानना चाहता हूँ। Is that understood? Yes, sir. ये तो समझ जाएंगे सर, पर आप नहीं समझ रहे हो। आप सिया से कभी नहीं जीत सकते। जब औरत की आत्मा भीतर तक जख्मी हो जाती है ना सर, तो फिर उसे कुछ पाने का, कुछ खोने का सब डर खत्म हो जाते हैं। और जब किसी के ये दोनों डर खत्म हो जाते हैं ना सर, तो फिर वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। तो समझिए और मुझे रिहा कर दीजिए यहां से। तिवारी पता नहीं सर कैसे कहां से वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया और फिर एक्सीडेंट। मैंने देखा वो काफी जख्मी था सर। यही आदमी था? हाँ यही आदमी तो था सर, मैं ही तो लाया इसे हॉस्पिटल। मैं इसकी शक्ल कैसे भूल सकता हूँ? बोल चेहरा, दाढ़ी मूछ सब याद है सर। रियली? लेकिन इतना कुछ तो मैंने आपसे नहीं पूछा था जितना आप बता रहे। नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो मुझे लगा ये भी पूछेंगे सर। ऑफ कोर्स, बहुत कुछ पूछूंगा आपसे। पहले राघव से ये पूछ लूं कि उसे आपकी शक्ल याद है। हाँ, कब? हाँ सिया जी, मैंने बोल दिया जो बोलना था। आगे आप देख लो, वो आ रहा है ओटी में। थैंक यू सो मच शरण जी, इतना ही काफी है, मैं संभाल लूंगी आगे। राघव हमारी एक पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहता था। मेरे बाप ने विरोध किया तो राघव ने उन्हें ही जेल भिजवा दिया। उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उसके खिलाफ कोई भी आपकी मदद कर सकता हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी। थैंक यू कैसा सिया जी, राघव के खिलाफ बनी पांडव सेना में मेरा अपना भी तो एक रोल है। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी बीवी, और ये मेरी फैमिली है। अगर हम यहां नहीं होंगे तो कौन होगा? ओह प्लीज, ये नाटक कब बंद करोगी सिया? ओह लेट मी गेस, जेल जाने के बाद, राइट? तुम्हारा ये खेल, तुम्हारी ये पैंतरे सब समझता हूं मैं, और मुझे ये भी पता है कि तुमने राघव जिंदल को मार दिया है। ओह रियली? तो अंदर जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो कौन है? ये अंदर जो कोई भी है उसका पोस्टमार्टम तो मैं कर ही दूंगा, और ये जो नई खिचड़ी तुम लोग पका रहे हो ना उसे भी एक्सपोज कर। प्लीज, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, यहां से चाहिए। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ सिया, लेकिन क्या करूं, पुलिस हो ना, ड्यूटी तो बजानी पड़ेगी। तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे किससे क्या पूछना है, क्या कहना है या क्या करना है? करेक्ट? मान क्यों नहीं रहे कि मेरे हस्बैंड जिंदा है? जब एक सुहागन बोल रहे कि उसका सुहाग जिंदा है तो क्यों उसका सुहाग छीनना चाहते हैं आप? प्रॉब्लम क्या है आपको उससे? मानना पड़ेगा, कमाल की एक्टर हो तुम। अरे कोई टीवी सीरियल में काम क्यों नहीं कर लेती, वहां ये एक्टिंग काम आएगी। लेकिन कोर्ट में नहीं, कोर्ट में सिर्फ बहस होती है, जहां बहुत ही जल्द तुम सबको मैं लेके जाने वाला हूं, एक्सपोज करने वाला हूं।
और ये साबित कर दूंगा कि तुम सब ने मिलकर राघव जिंदल को मारा है। मेरे पति जिंदा है। राघव मर चुका है। वो जिंदा वो मर चुका है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड ठीक है ना? उनको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं मिल सकती हूँ उनसे? ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। वो होश में तो आए ना? मैं जाके मिल लूँ क्या प्लीज? अब हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कोर्ट में मेरी नहीं तो कम से कम डॉक्टर की स्टेटमेंट तो काम आई चाहेगी ना? चलिए रोको रोको। राघव जिंदल का ऑपरेशन हो गया है, अब हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हो गया? ऑपरेशन। ओह कम ऑन, बकवास बंद करो। किसी इंसान को इस तरह पट्टियां पहना के मम्मी बना सकते हो, लेकिन पुलिस को मामू नहीं। बोलो पट्टियां। आप जरा शांत रहिए, इस तरह पेशेंट के सामने ये। पेशेंट के सामने क्या? ये ड्रामा बंद करो तुम लोग और पट्टियां खोलो। इनका एक्सीडेंट हुआ है, 57 फ्रैक्चर आए हैं सर से पांव तक। और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको खरोंच तक नहीं आई। इनाफ, खोलो पट्टियां। अरे ऐसे कैसे पट्टी खोल सकते हैं, अभी ऑपरेशन हुआ है। कोई बात नहीं, पुलिस वाले पट्टियां पहनाना भी जानते हैं और खोलना भी। मैं खुद ही खोल देता हूं। देखिए देखिए, वो एक पेशेंट है और जैसे डॉक्टर ने बोला कि अभी उनकी पट्टियां नहीं खोल सकते तो पीछे हटिए और प्लीज धीरे बात कीजिए। राघव को इफेक्ट हो सकता है। क्या हुआ, डर गई? पुलिस को अपना काम करने दो। Stop it, DCP. How dare you? How dare you? पुलिस को अथॉरिटी है, ये हॉस्पिटल है। हम जानते हैं क्या कर रहे हैं और हम हमारे पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ इन पट्टियों के पीछे राघव जिंदल नहीं है और यही साबित करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोर्ट में करना, यहाँ पे डॉक्टर के परमिशन के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का हाथ पकड़ रखा है। That's a crime. Really? थोड़ी गलती कर देता हूं लेता हूं। एक ऑफिसर पे हाथ उठाना जुर्म होता है। You are under arrest, Mr. Dobriyal. You're under arrest. Please, you are under arrest, Mr. Dobriyal. पुलिस को मजाक बना रखा है। ये देखिए यहाँ, आइए आपको लाइव दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। पेशेंट से मिलने आई फैमिली को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। कानून राज से जंगल राज हो गया है यहाँ। क्या बोला तू? क्या बोला मैं? ये जंगल राज दिखा देखो, ये जंगल राज। हो गया मिलन। डीसीपी अविनाश का करियर काफी कंट्रोवर्शियल है। ऐसा लगता है कि वो अपना गुस्सा किसी पे भी निकाल देते हैं। इस बार बच गए, लेकिन हर जगह प्रेस नहीं होगी। लेट्स गो। इनके बेटे को इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड कर लिया। इस
इसका घर नीलाम करवाया, पूरी फैमिली को बेघर कर दिया। आप लोगों ने आज हमारे लिए जो कुछ भी किया वो आसान नहीं था। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। आप सब लोग हमारी सेना हो राघव के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारी ताकत हो आप लोग। लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्टर और बीवी का सही टाइम पे आ जाना डीसीपी को हिला दिया है। अब वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूर करेगा। But you know what? We already know his plans. वो कुछ भी प्लान कर ले, वो हार नहीं वाला है। Naturally, हारेगा ही, क्योंकि हम हमेशा दो कदम आगे रहते हैं। That's our plan. लेकिन फिर भी everybody, stay alert. हमें relax बिल्कुल नहीं होना है, okay? खुशी, हेलो पापा। खुशी क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? Is everything okay? खुशी लिसन, मेरी बात सुन, शांत रहो, हम लोग आ जाएंगे। आप विशाल भैया कहाँ हैं, उनको फोन दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। खुशी क्या हुआ? तुषार, तुषार मेरी बात सुन, खुशी का ध्यान, कुछ नहीं होना चाहिए उसको। हाँ खुशी मैं हूँ ना, आप इधर बैठो। पापा प्लीज आप दोनों आ जाओ। तुषार डोंट गो एनीवेयर, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, प्लीज। ओके 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 ओके, मैं आ रहा हूँ, ओके, डोंट वरी। मैं देखो तुम ये यू विल मैनेज, मैं ठीक करा, मैं संभाल लूंगा, आप जाओ। को खुशी सी, पापा आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। तुषार तुषार खुशी का ध्यान रख, विराज पहुंच ही रहा होगा। मैं नहीं आ सकती हूँ अभी, यहाँ पे मुझे काम है। प्लीज खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुषार विराज जैसे वहां पहुंचता मुझे कॉल कर। मासी खुशी, उस डीसीपी को मैंने अभी यहाँ देखा था, एकदम से कहाँ गायब हो गया। वो पक्का कुछ करने वाला है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नंदिनी प्लीज देखो, मैं इस तरह तुम्हारे पास नहीं आता, पर तुम भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तो मैंने सोचा इसीलिए तुम्हें मेरी बेस्ट ऑप्शन हो। और तुम्हें तो पता है वो सिया का हस्बैंड राघव जिंदल जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ तुम्हारे अस्पताल में एडमिट है, और जिस डॉक्टर ने उसे ऑपरेट किया है वो पता नहीं कैसे कैसी बातें कर रहा है, एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोल रहा है। प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती नंदिनी, प्लीज डोंट कॉल मी नंदिनी, अस्पताल है, कॉल मी डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर। और वो डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा, ऑपरेशन थिएटर में वही था ना, और उसी ने ऑपरेशन किया है। आई बेग यू, I beg you, please, मेरी मदद कर दो, एक आखिरी बारी से। तुम समझती क्यों नहीं हो अविनाश, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना पर्सनल ना ही प्रोफेशनल, तो प्लीज मुझसे किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद मत रखो। नंदिनी प्लीज एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा कर। देखो मैं जानता हूँ राघव जिंदल केस में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, और झूठ को एक्सपोज करने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ है राघव जिंदल का डीएनए सैंपल, जो सिर्फ तुम मुझे लाके दे सकती हो, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज
प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं आज के बाद मैं तुम्हें कभी बॉदर नहीं करूंगा, और अर्जुन को लेकर जो भी वादे मैंने किए थे मैं सब निभाऊंगा। मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो, मेरी मदद करो नंदू। कोई है? आ, कोई है? क्या हुआ आपको? मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत पेन हो रहा है। आप उठिए ना। नहीं नहीं मैम, उठना पड़ेगा मैम, प्लीज ऊपर उठ के बैठिए ना। आप ऐसे बैठेंगे तो शायद बच्चे को प्रॉब्लम होगी, प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। तो आप नीचे नहीं बैठ सकते ना मैम, प्लीज उठिए ना। मैं आपकी मदद करती हूँ ना, उठ प्लीज, थोड़ी हिम्मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप यहाँ? लेकिन सिया से जो पूछताछ करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ पेशेंट से काम। हम दरअसल मैम पेशेंट का डीएनए सैंपल लेने आए, ताकि ये पता चल जाए कि डॉक्टर ने कहीं गलत इंसान पर ऑपरेशन तो नहीं कर दिया, और ये भी पता चल जाए कि बेचारी सिया कहीं गलत इंसान की जिंदगी की दुआएं तो नहीं मांग रही है। मैं एक बार सिया से पूछ लेती हूँ। एक मिनट, परमिशन लेने नहीं आए हैं, ऑर्डर के साथ आए हैं। सरकारी ऑर्डर है, अगर डिस्टर्ब किया ना तो अंदर डाल देंगे, समझे? मैं तुम्हारी मदद तब तक करूंगी जब तक सब कुछ रूल और कानून के हिसाब से होगा। रूल्स का तो पता नहीं, लेकिन जो वादे मैंने तुमसे किए हैं मैं उनमें से एक भी नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस। मेरा बच्चा, आ पेन हो रहा है मुझे बहुत। मैम आप ट्राई कीजिए, आइए। नहीं हो रहा मुझसे, आप उठिए तो। पानी, पानी नीचे। उठिए ना प्लीज, मैं आपकी मदद कर दूँ प्लीज। नंदिनी जरा जल्दी कर लो, कहीं वो आ गई तो फिर बखेड़ा खड़ा कर देंगे। मैं आपको उठा रहा हूँ, मैं प्लीज उठिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं, अब ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। रुको रुको मैडम, मैडम मैडम रुको। आप आ गए, अच्छा हुआ। आपकी गैर हाजिरी में हम सब मिलकर आपके पति का ख्याल रख रहे थे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ड्यूटी जो हो चुकी, पेशेंट का डीएनए सैंपल ले रहे थे। अब सैंपल टेस्ट के लिए जाएगा, टेस्ट के रिपोर्ट्स आएंगे, और रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि ये राघव जिंदल है। और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आएगा और भाईजत इस मम्मी की पट्टियां खोली जाएंगी। लेकिन एक्सपोज आप होंगी मिसेस सिया चंदल, सबको पता चल जाएगा ये जो मगरमच्छ के आंसू आप बहा रही है ना, वो अपने पति के लिए तो नहीं। और अगर टेस्ट की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई तो आपको पता है मैं क्या करने वाली हूँ? रिलैक्स, मैं पूरी कहानी सुना के आपको बोर नहीं करूंगी, सीधा एक्शन में, और फिर कानून की आंखों पे जो पट्टियां बनी है ना वो खुलेंगी, और केस मुझ पे नहीं होगा, आप पे होगा डीसीपी अविनाश। ठीक, ये तो वक्त ही बताए। भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो, इतनी देर से बैंडेड बांधी हुई है, लॉक खोल देती हूँ।
is this possible? क्या हुआ सर? The DNA sample is a match. ये DNA राघव जिंदल का ही है. How is it possible? उन लोगों ने राघव को मार दिया है, बॉडी भी ठिकाने लगा दी है। फिर ये बॉडी राघव जिंदल की हो कैसे सकती है? Something is not right here. ठीक हूँ भाभी, really sorry. मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा. मैं हेल्प कैसे ना करती? माँ ने मुझे सब बता दिया था कि राघव भैया ने आपको और माँ को इतना टॉर्चर किया, घर में बंद करके रखा. उन्होंने मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किया था, जिसने माँ, बहन, पत्नी सबके रिश्ते को शर्मसार कर दिया. उसको तो सजा मिलनी ही थी. आपने जो किया सही किया भाभी. फिर भी थैंक यू सो मच. हाँ, पर इसके आगे क्या? पुलिस को जब पता लगेगा कि सैंपल मैच हो गए, फिर तो फिर वो पागल हो जाएंगे. और वो DCP, उसकी तो बहुत बड़ी ईगो हर्ट होने वाली. वो कहते हैं ना, एक जख्मी औरत और एक बेइज्जत हुआ आदमी सबसे खतरनाक होते हैं.